नमस्कार मित्रों, जैसे कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है जिसकी वजह से आपको स्मार्टफोन पर काफ़ी सारे ऑफर देखने को मिलते हैं। साथ में स्मार्टफोन कंपनीज अपने 5G नेटवर्क पर अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड करा रही हैं। सो अगर आप भी एक स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं और आपका बजट 10,000 से 14,000 तक है तो आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊँगा जो कि 14,000 के बजट में आते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट तो देखने को मिलता ही है, साथ में आपको लॉन्ग बैटरी देखने को मिलेगी, अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी एंड गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। सो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखना, तभी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर पाएंगे। अब बिना किसी इंट्रो के साथ वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। चलिए वीडियो की शुरुआत हम फिफ्थ नंबर से करें, तो फिफ्थ नंबर पे नाम आता है Xiaomi Redmi 12 5G का। दोस्तों अगर आप 12,000 के बजट में एक 5G स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि स्मार्टफोन का 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट आपको 11,999 में मिल जाएगा। सो अब हम इस स्मार्टफोन के मेन फीचर के बारे में हम बात करें, तो स्मार्टफोन में आपको 6.79 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जिसमें आपको कोलिंग गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है जो कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। और दोस्तों गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें 4 नैनोमीटर की चिपसेट यूज़ की गई है। और स्मार्टफोन में आपको Adreno 613 का ग्राफिक देखने को मिलता है, जिससे आप स्मूथली गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इसके रियर कैमरे के बारे में, तो इसके रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा है एंड सेकेंडरी कैमरा आपको 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, इससे आप फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी एंड ये स्मार्टफोन Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे नाम आता है लावा ब्लज प्रो 5G का। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि एक तो ये स्मार्टफोन ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, साथ में लावा एक इंडियन ब्रांड है। चलिए वीडियो में हम आगे जानते हैं स्मार्टफोन में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। उससे पहले स्मार्टफोन के हम बेसिक फीचर के ऊपर नजर डालें, तो स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है, 3.5mm का ऑडियो जैक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन के मेन फीचर के बारे में, तो स्मार्टफोन में आपको 6.78 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। चलिए अब हम बात करें गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 6020 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर की चिपसेट के साथ आता है, जिसमें आपको मिली G57 MCU2 का ग्राफिक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप स्मूथली गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। और फोटोग्राफिंग के लिए इसके रियर में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। सो दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरे इतने खास नहीं है, अगर आप इसी बजट में एक कैमरा स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आपको कई सारे वीडियो देखने को मिल जाती हैं, वहां से जाकर आप एक कैमरा स्मार्टफोन परचेज कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी एंड ये स्मार्टफोन Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। फाइनली अब हम बात कर लें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जिन स्मार्टफोन्स के बारे में बताया है उन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर पे नाम आता है Samsung Galaxy M14 का। दोस्तों अगर आप इस बजट में एक Samsung का ही 5G स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं चलिए वीडियो में हम आगे जानते हैं। पहले हम स्मार्टफोन के बेसिक फीचर के ऊपर नजर डाल लें, तो स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि हमारे वीडियो का टॉपिक भी है एंड स्मार्टफोन में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। चलिए मित्रों हम नजर डालें स्मार्टफोन के मेन फीचर के ऊपर, तो स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिलता है
जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। और दोस्तों गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन में आपको Samsung Exynos 1330 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें आपको 5 नैनोमीटर की चिपसेट देखने को मिलती है, जिसमें मेली G68MP2 का ग्राफिक यूज किया गया है, जिससे आप नॉर्मली गेमिंग और मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। एंड इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 2MP का मैक्रो कैमरा एंड 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप फुल एचडी 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड फ्रंट में आपको 13MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। ये थे स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में बात। अब हम नज़र डालें स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के ऊपर। तो स्मार्टफोन में आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। ये थे स्मार्टफोन के फीचर। फाइनली अब हम बात कर लें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो स्मार्टफोन के 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट की कीमत 12,999 रुपीज़ है। चलिए अब हम बात करें सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर पे नाम आता है Vivo 2X का। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि Vivo के स्मार्टफोन अपने डिजाइन एंड कैमरे की वजह से जाने जाते हैं, सो स्मार्टफोन में भी काफ़ी अच्छे कैमरा देखने को मिलता है। चलिए अब हम स्मार्टफोन के मेन फीचर की शुरुआत हमेशा की तरह इसकी डिस्प्ले से करें। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.58 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जिसमें आपको 650 nits तक की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। एंड गेमिंग और मल्टी टास्किंग के लिए स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 6020 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें 7nm की चिपसेट यूज की गई है, जो कि मेली G57MC2 के ग्राफिक के साथ आएगा, जिसमें आप हार्ड गेमिंग तो नहीं पर हल्की फुल्की गेमिंग कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करें फोटोग्राफिंग और वीडियोग्राफिंग के लिए इसके रियर कैमरे के बारे में। तो इसके रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा है। सेकेंडरी कैमरा आपको 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप फुल एचडी 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और इस स्मार्टफोन के कैमरे में आपको डिजिटल डूम, ऑटो फ्लेयर, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, और इस स्मार्टफोन के फ्रंट से भी आप फुल एचडी में वीडियो कॉलिंग एंड सेल्फी ले पाएंगे। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है, 3.5mm का ऑडियो जैक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। सो लास्ट में अब हम बात कर लें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन के 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट की कीमत 13,499 रुपीज़ है। सो फाइनली अब हम बात करें फर्स्ट नंबर की। तो फर्स्ट नंबर पे नाम आता है Realme 11X 5G का। दोस्तों जैसे कि Realme कंपनी कम बजट में बेस्ट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराने की वजह से जाना जाता है, सो स्मार्टफोन में भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। पहले हम थोड़े बेसिक फीचर के ऊपर नज़र डालें। तो स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है, 3.5mm का ऑडियो जैक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों इस 5G स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन की शुरुआत इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से करें। तो स्मार्टफोन में आपको 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जिसमें 680 nits तक की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और दोस्तों गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6nm के चिपसेट के साथ काम करता है, जिसमें आपको मेली G57MC2 का ग्राफिक देखने को मिलता है, जिससे आप स्मूथली गेमिंग और मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। और फोटोग्राफिंग और वीडियोग्राफिंग के लिए इसके रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 64MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। सेकेंडरी कैमरा आपको 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप फुल एचडी 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरे में आपको डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। सो ये थे स्मार्टफोन के मेन फीचर। फाइनली अब हम बात कर लें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो स्मार्टफोन के 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट की कीमत 13,999 रुपीज़ है।
सो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जो कि 14,000 के बजट में आते हैं। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा या किसी और कैटेगरी या किसी और बजट पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत के बाद ही हम आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट ले आ पाते हैं। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं अगली वीडियो में।